कांग्रेस ने पोषण आहार परिवहन घोटाले के विरोध में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छतरपुर में भी महिला कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई हैं। इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला जलाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने कांग्रेसियों से पुतला छीन लिया। वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता दीप्ति पांडे ने पोषण आहार परिवहन घोटाले को लेकर सीएम से इस्तीफे और मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। देखिए, निश्चित तौर पे इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। इतिहास गवाह है, मामा कंस के राज में भी भांजे भांजियां कभी सुखी नहीं रहे और मामा शिवराज सिंह के राज में भी। अब जिनको वो अपनी बहन बेटियां भांजे भांजियां बताते हैं, उन्हीं का पोषण आहार स्वयं खा गए, क्योंकि वो खुद इसका चार्ज लिए हुए हैं मंत्रिमंडल का, तो जिम्मेदारी भी शिवराज सिंह सरकार की बनती है। आज पोषण आहार में गड़बड़ी पाई गई और मुख्यमंत्री जी महिला बाल विकास का जो डिपार्टमेंट है वो देख रहे हैं और पोषण आहार में जो उन्होंने घोटाला किया है उसके विरोध में हम लोगों ने आज उनका पुतला दहन किया है। वो बोलते हैं कि हम बच्चों के मामा हैं, मामा भांजे भांजियों के, और वो ही पोषण आहार में घोटाला कर रहे हैं। ये तो गलत बात है। अगर घोटाले की जांच नहीं होगी तो हम लोग फिर से कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे।